हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मैं एक बार फिर से अपने चैनल पे आपके लिए एक स्पेशल काफ़ी अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ गाइस। और मेरे को ऐसा लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए। और ये जो वीडियो है स्पेशली अकाउंट्स फील्ड वालों के लिए ज़्यादा स्पेशल है गाइस, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैं आज आपको 3 शॉर्टकट कीज़ बताऊंगा एक्सेल की, जिसकी हेल्प से आप अपने एफिशिएंटली वर्क को परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है गाइस, हम तीन एक्सेल शॉर्टकट्स की बात करेंगे। बेसिकली तीन फॉर्मूलेज हैं जिनकी हम बात करेंगे। एक फॉर्मूला जो हमारा है वो है हमारे पास सम का फॉर्मूला, जो आपको बेसिकली आता होगा। दूसरा हम बात करेंगे सब टोटल, और तीसरा बात करेंगे हम एग्रीगेट फॉर्मूला की। ठीक है गाइस, इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, जो मैंने इस स्क्रीन पर आपको ले रखा। हमारे पास पिछले 12 महीने की सेल दे रखी है, और इसका अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि सम निकालिए, आपको क्या निकालना है गाइस? इनका सम निकालना है। तो आप सम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ सम निकालिए। तो सम ऑफ द सेल क्या निकालना है हमें? सम ऑफ सेल्स, कि हमारे जो सेल्स है उसका कितना सम है। तो सम का फॉर्मूला लगाने के लिए आप इक्वल्स टू टाइप करेंगे और इक्वल्स टू सम लिखेंगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा, और टैब को जैसे ही करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू सम करते ही टैब दबा दीजिएगा, फॉर्मूला बार ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको बताना है नंबर। तो यहाँ पे आपको रेंज सेलेक्ट करनी है जहाँ से आप सम करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे D12 से लेके D23 तक सेलेक्ट करना चाहता हूँ, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर मार दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा गाइस, मेरा सम कैलकुलेट हो गया कि मेरा सेल जो है पूरे साल में वो है इतने की सेल आ गई। ये है बेसिक सम। या इसका शॉर्टकट ये भी है गाइस कि आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली ऑल्ट और जो आपको कीबोर्ड पे जो इक्वल्स टू प्लस साइन, अगर उन दोनों को दबा देंगे एक साथ तो भी आपका सम रेंज अपने आप आ जाता है। तो ये भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है सम लगाने का, जो मैंने आपको बता दिया। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से ऑटो सम के फॉर्मूले पे भी जा सकते हैं गाइस, और यहाँ से भी आप सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये तीन तरीके मैंने आपको बताए सम के लिए। अब एक दूसरा फॉर्मूले की बात करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास गाइज है सब टोटल। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सब टोटल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है अभी देखते हैं। सब टोटल की अगर मैं बात करूं तो आप लगाएंगे इक्वल्स टू सब टोटल, और इसके बाद टैब दबाएंगे तो सब टोटल का फॉर्मूला आ जाएगा गाइज। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम सब टोटल की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एक विंडो ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 इक्वल्स टू एवरेज, 2 इक्वल्स टू काउंट। इनमें से आपको क्या करना है, अगर आपको एवरेज निकालना है तो 1 दबाइए, अगर आपको काउंट करना है तो 2 दबाइए, हमें निकालना है सम। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 9 पे क्या लिखा हुआ है सम, तो हम यहाँ पे 9 दबाएंगे और इसके बाद लगाएंगे कोमा, और इसके बाद आपसे पूछा है नंबर का रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस लेना है हमें, मतलब कहाँ से कहाँ तक का सब टोटल लेना है, तो हमें रेंज डाल देंगे। तो हमने रेंज को सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद मार देंगे एंटर, तो यहाँ पे ये सब टोटल आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्या आ गया, सब टोटल आ गया। क्या आ गया हमारा, ये सब टोटल आ गया। इस तरीके से बात समझ में आ रही है। और तीसरा फॉर्मूला हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे एग्रीगेट का। किसकी बात कर रहे हैं? एग्रीगेट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है अभी पता चल जाएगा आपको थोड़ी देर में। तो एग्रीगेट पहले निकालते हैं, तो इक्वल्स टू एग्रीगेट लिखेंगे और ये आ गया फॉर्मूला। और यहाँ पे भी एक विंडो ओपन हो रही है और आपको पूछा जा रहा है कि एग्रीगेट बताइए किसका, तो हमें सम करना है। तो 9 प्रेस करेंगे, कोमा लगाएंगे, और इसके बाद यहाँ पे फिर एक और विंडो ओपन होगी और आपसे पूछा जाएगा कि आपको इनमें से किस तरीके से सम करना है। तो 0 क्या बोलता है कि इग्नोर नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं बेसिकली जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसकी बात करूँगा। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, इग्नोर हिडन रोज एरर वैल्यू नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन। बेसिकली थर्ड पॉइंट इस बात की डील करता है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। 3 दबाएंगे
और फिर से कोमा दबाएंगे और इसके बाद हम रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमारा आ जाएगा सब टोटल, सॉरी एग्रीगेट आ गया गाइस। क्या आ गया हमारा? एग्रीगेट। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। इन तीनों में यहाँ पे डिफरेंस है क्या? सम का मतलब है सिंपल नॉर्मल सम करना है, और सब टोटल में क्या डिफरेंस है मैं आपको दिखाता हूँ। सब टोटल में थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ जाता है, अगर मान लो मेरे को यहाँ पे फिल्टर लगानी है और सिर्फ मेरे को निकालना है अगस्त महीने का कौन सा डाटा कितना सेल हुआ है, तो सब टोटल देखो सम में कितना दिखा रहा है, सम में दिखा रहा है जितना अमाउंट मेरा टोटल है अप्रैल से मार्च तक का, लेकिन सब टोटल में क्या दिखा रहा है उसी मंथ की बस सेल दिखा रही है, और एग्रीगेट में भी उसी मंथ का। तो डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा सब टोटल और सम में क्या डिफरेंस है। अगर हम कभी फिल्टर वगैरह लगाते हैं तो हमारा डाटा उसी रेंज का दिखाएगा जिस रेंज का मेरे को चाहिए। अगर मैं दिसंबर का डाटा निकालूंगा तो मेरे को सेल दिसंबर की ही दिखेगी सब टोटल के अंदर, ठीक है, और एग्रीगेट में भी। बात समझ में आ रही गाइस? तो ये एक फ़ायदा हो जाता है अगर हम फिल्टर वगैरह का यूज़ करते हैं और जितने पीरियड का हमें टोटल चाहिए बस उतना ही सब टोटल में दिखाएगा। ये डिफरेंस है सम और सब टोटल में, सम में पूरा दिखाएगा, ठीक है, लेकिन सब टोटल में सिर्फ उसी रोज का दिखाएगा, उसी कॉलम का दिखाएगा जिसको हमने सेलेक्ट किया है। ये बेसिक एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है एग्रीगेट में? तो अब हम बात करते हैं गाइस एग्रीगेट फॉर्मूला की। जैसा कि मैंने आपको बताया जो हमारा एग्रीगेट फॉर्मूला होता है उसमें क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे जैसे कि आपको ये दिख रहा है, अगर लेट सपोज मान लीजिए मैं ये जो जून की जो हमारी सेल है उस सेल को अगर मैं हाइड कर देता हूँ, लेट सपोज कि अगर मैं इस सेल को हाइड कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस मेरा एग्रीगेट फॉर्मूला कितना आ रहा है। जितना मेरे पास करंट में डाटा दिख रहा है सिर्फ उन्हीं की वैल्यू को दिखाएगा, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 1,283,000 इसका सम है मेरा एग्रीगेट फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन जो मेरा सब टोटल और सम है वो टोटल दिखा रहा है। तो तीनों में डिफरेंस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जो एग्रीगेट फॉर्मूला अगर कोई एरर है तो उस एरर को रिमूव करके भी आपको दिखाएगा, लेकिन सब टोटल और सम जो है वो एरर को बिना एरर रेजोल्यूशन के नहीं दिखाएगा। अगर कोई एरर होगा तो सम और सब टोटल उस पर काम नहीं करेगा, ठीक है, मतलब वो टोटल नहीं दिखा पाएगा। अगर यहाँ पे कोई नंबर की जगह कोई टेक्स्ट हो जाए तो उसका सम सब टोटल और सम ना दिखा पाए, लेकिन एग्रीगेट फॉर्मूला वहाँ पे पूरा प्रॉपर काम करेगा, क्योंकि हमने जो एग्रीगेट फॉर्मूला को देखा है गाइस, तो उसके अंदर जैसा कि आपको जो इसका सिंटैक्स है वो दिखाता है कि 9 में आपको सम करना है और इसके बाद आपसे पूछा जाता है 0। तो यहाँ पे 0 का मतलब है कि अगर आपको वैल्यू को इग्नोर करके चलनी है किसी को तो 0 ले लो। अगर कोई इग्नोर 1, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 इग्नोर हिडन रोज, अगर आपको इग्नोर करना है कोई हिडन रोज तो उसके लिए सिर्फ 1, या आपको इग्नोर कोई एरर वैल्यू करने तो उसके लिए सिर्फ 2 ले लीजिए, या आपको हिडन रो को भी ख़त्म करना है कोई एरर वैल्यू उसको भी हटाना है और उसके बाद सम करना है तो उसके लिए 3 ले लीजिए, या आपको कोई भी इग्नोर नहीं करना और सबका टोटल लेना है तो आप 4 कर लीजिए। तो इस तरीके से आपके जो एरर्स है उसको हटाकर अगर आपको सम करना है तो उसके लिए आप एग्रीगेट फॉर्मूला का यूज़ कीजिए। बेसिकली जैसे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो हम जब कोई लुकअप वगैरह लगाते हैं तो एक डाटा दूसरे जगह से फेच करता है और वहाँ पे कुछ एरर दिखाता है NA वगैरह का, और अगर हमें उस डाटा का सम करना है और बीच में NA आ रहा है तो हम आई थिंक उस डाटा पे सम और सब टोटल नहीं लगा पाएंगे, तो सिर्फ हमें एग्रीगेट फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो तीन फॉर्मूला आपको मैंने बताया, सम, सब टोटल और एग्रीगेट, तीनों ही डिफर है और तीनों की अपनी अपनी अलग वैल्यू है अपने जगह पर। सम सिंपल सम करने के लिए, सब टोटल आपको इसलिए लगाना चाहिए कि अगर आप कोई रोज़ वगैरह पे फिल्टर लगा रहे हो तो आपको केवल उतना ही डाटा दिखाई दे, उन्हीं का सम दिखाई दे जितना आपके फिल्टर में लगा हुआ है। और एग्रीगेट तो अगर कोई एरर्स वगैरह है तो उनको रिमूव करके सम करना है या उनको इंक्लूड करके सम करना है तो आपका एग्रीगेट फॉर्मूला लगता है बेसिकली। तो इन तीन फॉर्मूले को गाइस आप यूज़ कीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छा पसंद आएगा और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये। तो आई थिंक गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इसी तरीके की और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मैं आपके लिए वर्क करता रहूँगा गाइस। मेरे पास टाइम नहीं था कुछ दिनों से इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, बट अब मैं कंसिस्टेंट आप लोगों के लिए वीडियो डालूंगा। और कृपया चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें।
टेक केयर गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसा ही आप सभी अपना प्यार दिखाइए। टेक केयर गाइस।